देखिए, ये हमारे नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री ने जो आज राज्यसभा में कहा है मणिपुर के बारे में, ये बिल्कुल हकीकत से विपरीत है। एक तो 3 मई 2023 से मणिपुर जल रहा है, अलग अलग समुदायों के बीच में तनाव है, शक है, हिंसा हुआ है, सैकड़ों लोग मारे गए हैं, हजारों लोग विस्थापित हुए हैं, वहां शासन बिल्कुल खत्म हो चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन हुआ है। 3 मई हो गए हैं। अच्छा, मैं आपको यह भी याद दिला दूं कि फरवरी 2022 को 2/3 से भी ज्यादा बहुमत मिला था बीजेपी और उनके गठबंधन को, सहयोगी पार्टियों को 2/3 से भी ऊपर उनको जनादेश मिला था, और 15 महीने के अंदर मणिपुर जलने लगा। ये अंदर की ही साजिश है। और जब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, संवैधानिक प्रणाली खत्म हो चुका है, प्रधानमंत्री चुप है। आज तक प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए हैं, 3 घंटे, 4 घंटे के लिए, 5 घंटे के लिए, 6 घंटे के लिए गए नहीं। एक बात उन्होंने कही नहीं थी आज के पहले, और आज भी मजबूर होकर उनको कहना पड़ा। हालांकि राष्ट्रपति के भाषण में मणिपुर का उसका इतना जिक्र नहीं था, और पहले जुलाई को हमारे जो इनर मणिपुर के सांसद हैं बिमोल आइकाजोंग, उन्होंने भी इसका दुख प्रकट किया था कि मणिपुर के बारे में कोई जिक्र नहीं है। और प्रधानमंत्री, देखिए, प्रधानमंत्री खुद गए नहीं है मणिपुर, 16 महीने हो गए हैं, मणिपुर के मुख्यमंत्री से उन्होंने मुलाकात नहीं की, मणिपुर की जो राजनीतिक पार्टी है, जो नेता है, उनसे उन्होंने बातचीत नहीं की। खुद उनके सांसद जो थे पिछले लोकसभा में, एक हमारे विदेश राज्य मंत्री थे, उनसे भी मुलाकात नहीं की। तो ये क्या हिपोक्रेसी है? और जब ऑपोजिशन वॉकआउट करता है क्योंकि नेता प्रतिपक्ष को मौका नहीं दिया जाता है, नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री के द्वारा जो झूठ बार बार बोला जा रहा था और हमारे नेता प्रतिपक्ष उसका खंडन करना चाहते थे, उनको बोलने नहीं दिया गया। हम वॉकआउट, सारे इंडिया जनबंधन के पार्टियां ने वॉकआउट किया, तब प्रधानमंत्री मणिपुर के बारे में 2-3 शब्द बोलते हैं, और जो ये शब्द बोलते हैं बिल्कुल हकीकत से विपरीत है। असली बात क्या है जमीन पर? और आज भी मणिपुर के लोग यही पूछ रहे हैं, प्रधानमंत्री क्यों नहीं आते मणिपुर।